दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली, लगभग 3.5% की तेजी और काफ़ी समय के बाद काफ़ी अच्छा दौड़ा इन्फोसिस और आने वाले समय में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है। इन्फोसिस जो पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और IT सेक्टर में आने वाले समय एक शानदार तेजी का दौर शुरू हो सकता है, तो क्या इस समय हमें इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन्फोसिस के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बड़ा बयान निकल कर आया है, क्या है वो बयान उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्यों इन्फोसिस में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। IT का ये दिग्गज खिलाड़ी जो इस समय काफ़ी नीचे मिल रहा है, क्या इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए? दूसरी तरफ विप्रो जिसने बायबैक का अनाउंसमेंट किया था, डेट तो निकल चुकी है, अगर अब आप शेयर खरीदना चाहते हैं बायबैक के लिए तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी बायबैक की स्कीम क्लोज हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इन विप्रो जो बोनस का बादशाह कहा जाता है, काफ़ी शानदार बोनस ऑलरेडी दे चुका है पहले, आने वाले समय क्या फिर से बोनस देगा और क्या इस समय विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि FIDI और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है मार्च में और ये क्या इशारा है, क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो क्लोजिंग 1337 पर रही, जहाँ पे 3.44% की शानदार तेजी देखने को मिली, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 5 दिन में स्टॉक में 5.57% की हमें तेजी देखने को मिल चुकी है, तो जैसे कि बाजार इस समय ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो IT सेक्टर भी अब दौड़ने लगा है और IT सेक्टर में पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इन्फोसिस के CEO देख सकते हो कि सलील पारिक ने कहा है कि अब जो उनके क्लाइंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो घर से काम ना करें बल्कि वो ऑफिस में आके करें, वर्क फ्रॉम होम उनको पसंद नहीं आ रहा है। उनके हिसाब से जो उनको क्वालिटी चाहिए काम के प्रति वो क्वालिटी घर से नहीं मिल पा रही है और अगर वो ऑफिस से काम करेंगे तो उसमें और बेटर परफॉर्मेंस वो दिखा पाएंगे। तो ऐसे में अब सीधी बात है कि इन्फोसिस चाहता है कि जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कोविड काल के बाद से उसको बंद करके अब जो भी उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑफिस में लौट आए और ऑफिस से ही काम करें क्योंकि जो उनके क्लाइंट हैं वो चाहते हैं कि अब उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑफिस से उनके लिए काम करें। और वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ ऑफिस से काम करेंगे तो जो मूनलाइट जो यहाँ पे जो संभावना बन रही है वो भी नहीं होगी, एम्प्लॉयज़ दूसरी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा और इसीलिए चाहते हैं कि अपनी कंपनी के प्रति वो वफादार है और इसीलिए अब हर कंपनी चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ उनके ऑफिस में आके ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम अब बंद हो जाना चाहिए क्योंकि कोरोना का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वैसे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमारी फ्लेक्सिबल अप्रोच है, एम्प्लॉय अगर चाहे तो घर से भी काम कर रहे हैं और हम उनको करने भी दे रहे हैं, लेकिन अब जब क्लाइंट ही चाहते हैं कि वो जो उनके कस्टमर को सर्विस है वो ऑफिस से मिले तो फिर हम क्या करें, तो अभी इसलिए उनको भी सोचना होगा और एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में आना होगा। अब या फिर देख दो कि इन्फोसिस की AGM हुई थी या फिर 28 जून को, ये 42वीं इनकी AGM थी और देख सकते हो कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस AGM को कम्प्लीट किया गया और बहुत सारे इसमें फैसले भी लिए गए, आने वाले समय में किस तरह से अपनी रणनीति बनाई जाएगी उसके ऊपर फैसला लिया गया। यहाँ पे जो बड़ी बात निकल के आ रही है, इन्फोसिस की तरफ से कहा गया है कि करीब हमने 50,000 कॉलेज ग्रेजुएट को जॉब के लिए यहाँ पे हमने उनको अपॉइंटमेंट किया है, तो देख सकते हो उनका कहना है कि करीब 3.4 लाख एम्प्लॉयज इस समय देखे तो उनके हेडक्वार्टर में और इसका जो उसमें देखे तो 39% वीमेन उनके एम्प्लॉयज़ है, तो लगातार हम जॉब दे रहे हैं नए हम जो भी कॉलेज पास आउट है उनको हम जॉब दे रहे हैं। तो एक तरह से देखें तो ये एक अच्छी खबर है, जो 50,000 नए एम्प्लॉयज़ को यानी अगर भर्ती किया इसका मतलब बिजनेस बढ़ने लगा है। यहाँ पे इन्फोसिस के मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि हमने 95 लार्ज डील कंप्लीट किए हैं यहाँ पे फाइनेंशियल 2023 में और ये करीब $9.8 बिलियन की यहाँ पे डील हुई है, तो काफ़ी शानदार का कामकाज रहा है और जिस तरह से लगातार देखें तो उनका कहना है कि 40% हमने न्यू डील्स क्रिएट किए जो पुराने क्लाइंट के अलावा हमने और लगातार बिजनेस इस समय हमारा बढ़ रहा है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि पैंडेमिक दौर के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आई है, कॉकटेल प्रॉब्लम जिसमें देखते हैं इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, इंटरेस्ट रेट हाइक होना, जियोग्राफिकल टेंशन वार की वजह से, इसके अलावा देखे तो डिमांड सप्लाई में जो डिफरेंट आना, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जिसको हमने फेस भी किया इस सेक्टर ने, लेकिन अब आने वाले समय धीरे धीरे संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। साथ में कंपनी की तरफ से कहा गया हमने 17.5 पर शेयर डिविडेंड भी दिया, यानी 17.5 रुपये का डिविडेंड भी दिया है और कंपनी काफ़ी अच्छा जो भी अपना प्रॉफिट है उसमें हिस्सेदार का लगातार अपने शेयर होल्डर को बना रही है, तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में हम और तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाएंगे और लोगों को डिविडेंड का बेनिफिट भी मिलेगा, हमने करीब 14,200 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर किया है।
यहाँ पे देखिए तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज के हिसाब से इसका जो टारगेट दिया गया 1641 का टारगेट है और करंट लेवल से खरीदारी की सलाह दी है। और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, स्टॉक अभी इस समय दौड़ सकता है और बाजार में जिस तरह से संभावना पॉजिटिव बनी है, जिस तरह एफआई का रुझान पॉजिटिव बना है, आईटी की तरफ उनकी खरीदारी शुरू है, तो इन्फोसिस कमाल कर सकता है। तो ऐसे में आपको डिप में खरीदारी इन्फोसिस में करनी चाहिए। अब चलते हैं हम विप्रो की तरफ। 389 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.93% की तेजी देखने को मिली। और विप्रो की परफॉर्मेंस देखो, पिछले 5 साल में इसने 98% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न 77% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 6% की गिरावट हुई है। 3 मंथ के हिसाब से देखो तो फिर से 8% स्टॉक दौड़ चुका है। 1 मंथ के हिसाब से वापस 3% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 2% की गिरावट है। तो जिसने भी 3 साल पहले निवेश किया उसको नुकसान जरूर है, लेकिन 3 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको इस समय नुकसान नहीं हो रहा है। अब अगर हम इसके पेयर कंपनी से इसकी तुलना करें, 1 ईयर के हिसाब से विप्रो ने 7.51% की गिरावट दिखाई है। इस दौरान TCS में हमने 0.36% की तेजी देखी है, यानी पिछले 1 साल के हिसाब से TCS ने गिरावट नहीं दिखाई है, लेकिन इन्फोसिस ने इससे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया, करीब 8.73% का। तो यहाँ पे लूजर आपको इन्फोसिस दिखाई देगा 1 ईयर के हिसाब से। अगर हम बात करें 3 मंथ की, तो विप्रो ने 8% का शानदार बाउंस बैक दिखा दिया, यानी 8% की तेजी बताई है। TCS इस दौरान 5% दौड़ा है। इन्फोसिस में 3% की गिरावट हुई है, तो यहाँ पर लूजर आपको इन्फोसिस दिखाई देगा। तो इन्फोसिस में गिरावट हुई, लेकिन 3 महीने के हिसाब से विप्रो इसका सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। बात करें अगर 1 वीक की, तो विप्रो में हमें 1.79% की तेजी देखने को मिली है। TCS में 1.97% की तेजी है और इन्फोसिस में 4.21% की तेजी है। तो 1 वीक के हिसाब से यहाँ पे आपको विनर इन्फोसिस दिखा देगा। इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि विप्रो की प्रदर्शन भी वैसे है जैसा दूसरी कंपनियों का है, और ऐसे में आने वाले समय एक शानदार तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अब जैसे कि विप्रो ने अपने बायबैक के लिए जो डेट थी उसको 1 दिन और बढ़ा दिया था, उसके पीछे वजह थी कि बकरीद की वजह से छुट्टी रही थी। तो यहाँ पे उस समझ सकते हो कि जो डेट पहले थी उनकी क्लोजिंग, उसको बढ़ा के फ्राइडे कर दिया गया था, जिससे कि वो निवेशक को भी थोड़ा मौका मिले अपने बायबैक के लिए शेयर अगर देना चाहे तो। तो अब क्लोजिंग हो चुकी है और काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट मिल चुका है। आने वाले समय में आप देख सकते हो कि विप्रो के अंदर तेजी का दौर शुरू होगा। विप्रो ने जिस तरह से 445 की प्राइस पे बायबैक शेयर किया, इसका मतलब एक तरह से ये फेयर प्राइस है, और इससे बात समझ में आ रही है कि इस लेवल पे जो प्रमोटर शेयर खरीदना पसंद करते हो, इससे नीचे गिरावट की संभावना कम है। तो डिप में खरीदारी का काफ़ी अच्छा मौका है, और इस मौके को उठाया भी है काफ़ी लोगों ने, बड़े बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। अब आप देख सकते हो जिस तरह से TCS विप्रो इन्फोसिस में देखें तो 20 से लेकर 45% की ये डिस्काउंट में शेयर मिल रहे हैं। तो इस मौके का आपको फायदा उठा के खरीदारी करनी चाहिए। बड़े जो IT इंडेक्स फंड भी इस समय खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर विप्रो की बात करें तो इसका बिजनेस भी बढ़ा है। देख सकते हो मार्च 2022 में जहाँ पे 20,860 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 23,190 करोड़ तक पहुँच गया, यानी पिछले 1 साल में रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट जरूर थोड़ा सा आपको कम होता हो दिखा देगा। मार्च 2022 में जहाँ पे 3087 करोड़ के आसपास था, वो इस मार्च में 3075 करोड़ के आसपास रहा था। तो लगभग एक जैसा ही है, बिजनेस काफ़ी ठीक लग रहा है, नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 65,816 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 78,116 करोड़ के आसपास रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 72.94% के आसपास है, और अब जैसे कि प्रमोटर ने शेयर और उठाए उनकी होल्डिंग और बढ़ जाएगी, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। FI की बात करें तो 6.30% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो बढ़ के 6.38% हो गई है मार्च में। DI की बात करें तो उनकी 7.80% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 8.01% तक आ गई है, तो DI ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी 2.75% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 2.79 हो चुकी है। अदर्स की बात करें यानी जनरल पब्लिक की, तो 12.96% की होल्डिंग थी दिसंबर में, इस समय 12.69% है। तो जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, लेकिन FI, DI और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, और ये इशारा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये काफी अच्छा मौका है। खरीदारी करें विप्रो में, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा, और दोनों कंपनियां काफी अच्छा डिविडेंड भी देती है और समय समय बोनस भी देती है, तो इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।